गुड मॉर्निंग एवरी वन। कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सॉटिक ऑप्शंस में टाइप है, दैट इज रेशो रेंज फॉरवर्ड। ये फ्लेक्सिबल वेरिएशन है रेंज फॉरवर्ड का। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अमाउंट जो है वो डिफर करेगा और जो कॉल एंड पुट पोजीशंस होंगी वो अनइक्वल होंगी। रेंज फॉरवर्ड में क्या था, वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और मैच्योरिटी सेम था, कॉल और जो पुट ऑप्शन है उनका नंबर भी सेम था, सिर्फ जो एक्सरसाइज प्राइस है वो डिफरेंट था। रेशो रेंज फॉरवर्ड में जो अमाउंट है प्रिंसिपल वो भी डिफर होता है और जो कॉल और पुट पोजीशंस हैं वो भी अनइक्वल होती है। देन नेक्स्ट इज स्वैपेशंस। ये कॉम्बिनेशन है स्वैप और ऑप्शन का। ये प्रोवाइड करता है ऑनर को राइट, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एंटर कर सकता है इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप किसी भी स्पेसिफाइड डेट पर। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज बेनिफिट्स क्या हैं ऑप्शंस के। सबसे पहला है ट्रेडिंग इन रिटायरमेंट अकाउंट। एक इंडिविजुअल का जो रिटायरमेंट अकाउंट होता है वो प्रोवाइड करता है, करवाया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यूएसए में, जिसके ऊपर उन्हें टैक्स एडवांटेज मिलती है। यूएसए में जो इन्वेस्टर है वो ट्रेड ऑप्शन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है ऑप्शंस में अपने रिटायरमेंट अकाउंट पे। तो ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को इन ग्रोइंग एंड हेजिंग देयर पोर्टफोलियो ओवर टाइम। नेक्स्ट है लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस में होती है वो चीपर होती है देन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। नेक्स्ट इज इनकम ऑन स्टॉक्स ओन। जो इन्वेस्टर है वो यूज़ कर सकता है स्टॉक्स को जिसे वो ओन करता है टू जनरेट इनकम बाय सेलिंग ऑप्शंस इन देम। मतलब जो पर्सन है, जो इन्वेस्टर है, जो भी शेयर्स या स्टॉक्स उसके पास है वो उसको एज अ अंडरलाइंग एसेट बनाकर ऑप्शंस को बाय और सेल कर सकता है। देन इज ह्यूज प्रॉफिट। ह्यूज प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो फ्रॉम द फेवरेबल मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जो इन्वेस्टर है उसे लेस ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू स्टॉक डिलीवरी ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल होती है। इसका मतलब, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आप बिना एसेट को ओन किए उसे सेल कर रहे हो। ये डिलीवरी स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं होता है। देन इज लेस रिस्क एक्सपोजर फॉर बायर। जो रिस्क ऑफ एक्सपोजर है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिमिटेड होता है बायर्स के लिए, और लेकिन जो पोटेंशियल है, प्रॉफिट पोटेंशियल है, वो अनलिमिटेड है। यूनिक स्ट्रैटेजीज ऑप्शन अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो अपनी यूनिक स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं एडवांटेज लेने के लिए वॉलेटिलिटी और टाइम डिके के अकॉर्डिंग। देन पैटर्न ऑफ रिटर्न। जो इन्वेस्टर है वो ऑब्टेन कर सकता है जो भी पैटर्न ऑफ रिटर्न्स हैं इंडेक्स ऑप्शंस का, और जो इंडेक्स ऑप्शन है वो उसे प्रोवाइड करवाते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मूवमेंट विद अ सिंगल ट्रेडिंग डिसीजन। जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब पहले से जान सकते हैं कि उनका मैक्सिमम लेवल ऑफ लॉस क्या होगा इन एडवांस इन केस ऑफ ऑप्शंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। सबसे पहला पर्पस, जो मेन पर्पस है फ्यूचर्स का, दैट इज स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है ऑप्शन का, दैट इज हेजिंग। ऑब्लिगेशन की बात करें तो फ्यूचर्स में बोथ पार्टीज के लिए ऑब्लिगेटरी है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, जबकि जो ऑप्शंस है उसमें ऑब्लिगेशन सिर्फ सेलर की होती है। फ्यूचर्स के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल होता है ऑन द डेट जो स्पेसिफाई है कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि जो ऑप्शन है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन डेट होती है वो जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उस डेट से पहले हो सकता है या उस एक्सपायरी डेट को हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई आपने की है ट्रांजेक्शन डेट। देन नेक्स्ट इज वर्सेटाइलिटी। फ्यूचर्स लेस वर्सेटाइल होते हैं देन ऑप्शंस, और ऑप्शंस ट्रेडिंग ज़्यादा वर्सेटाइल है। रिस्क एक्सपोजर की बात करें तो फ्यूचर्स में जो रिस्क एक्सपोजर है वो अनलिमिटेड होता है,
रिस्क एक्सपोजर इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है सेलर्स के लिए, लेकिन बायर्स के लिए लिमिटेड होता है। प्रॉफिट पोटेंशियल की बात करें तो जो प्रॉफिट पोटेंशियल है फ्यूचर्स में वो लिमिटेड है, जबकि जो प्रॉफिट पोटेंशियल है सेलर्स के लिए ऑप्शंस में वो लिमिटेड है, लेकिन बायर्स के लिए अनलिमिटेड है। मार्जिन्स की बात करें तो फ्यूचर्स में दोनों पार्टीज को मार्जिन डिपॉजिट करना होता है, जबकि ऑप्शन में सिर्फ सेलर को मार्जिन डिपॉजिट करना होता है। प्रीमियम की बात करें तो फ्यूचर्स के केस में कोई प्रीमियम पे या रिसीव नहीं किया जाता है, जबकि ऑप्शन के केस में बायर को प्रीमियम पे करना होता है सेलर को। मैच्योरिटी के बेसिस पे बात करें तो जो फ्यूचर्स हैं उनकी लॉन्गर पीरियड ऑफ मैच्योरिटी होती है, जबकि जो ऑप्शंस हैं उनका शॉर्टर पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है। मेथड ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन की टर्म्स में जो फ्यूचर्स हैं, प्रॉफिट फ्यूचर्स में मार्क्ड टू मार्केट होता है ऑन डेली बेसिस, जबकि जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा वो ऑन टेकिंग अपोजिट पोजीशन या एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन पर होगा ऑन मैच्योरिटी। तो ये था हमारा चैप्टर ऑप्शंस का। इसके साथ जो हमारा चैप्टर है ऑप्शंस का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।